तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शोभिक और आप देख रहे हो 1 मिलियन गैजेट्स। Honor 8X, Mi 8 Lite एंड Realme 2 Pro, इन तीनों ही डिवाइस में आपको बहुत ही कमाल का स्पेसिफिकेशंस मिलता है। एंड देखा जाए तो इन तीनों ही डिवाइस का जो स्पेसिफिकेशंस है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो मैं इस वीडियो में इन तीनों डिवाइस को कंपेयर करने वाला हूँ एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आप लोगों को बताऊंगा ब्रांड्स ने कहाँ पर इन तीनों डिवाइस में प्राइस कटिंग के लिए फीचर्स में कंप्रोमाइज किया है एंड जिसके कारण आप लोगों को इतना कम प्राइस पे बहुत ही अच्छे स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलता है। एंड इस वीडियो से आप लोगों को एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कौन सा डिवाइस किससे बेहतर है एंड आपको कौन सा डिवाइस लेना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो क्योंकि आपको मिलने वाला है मेरे चैनल से ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस। यहाँ पर तीनों डिवाइस की डिजाइन की बात किया जाए तो तीनों ही डिवाइस की बैक साइड पे आपको ग्लॉसी ग्लास फिनिश मिलेगा। वायरस रियलमी 2 प्रो में जो मटेरियल यूज किया गया है वो ग्लास नहीं है, वो बेसिकली एक प्लास्टिक है एंड बाकी दो डिवाइस में आपको ग्लास देखने को मिल जाएगा। इवन तीनों ही डिवाइस की बैक साइड पे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर इवन डुअल कैमरा सेटअप मिल जाएगा। फ्रंट साइड की डिजाइन की बात किया जाए तो Honor 8X एंड Mi 8 Lite में आपको OnePlus 6 जैसा नॉच मिल जाएगा, वायरस Realme 2 Pro में आपको वाटर ड्रॉप जैसा बहुत ही छोटा नॉच देखने को मिलेगा। डिस्प्ले साइज की बात किया जाए तो यहाँ पर आपको Honor 8X पर सबसे बड़ा डिस्प्ले मिलेगा, यहाँ पर आपको 6.5 इंच का डिस्प्ले मिलेगा, वायरस इन सेकंड पोजीशन आपको Realme 2 Pro का डिस्प्ले मिलेगा, यहाँ पर आपको 6.3 इंच, देन इन थर्ड पोजीशन यहाँ पर आपको Mi 8 Lite पे 6.28 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। डिस्प्ले रेजोल्यूशन की बात किया जाए तो तीनों ही डिवाइस में आपको फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन मिल जाएगा। अब यहाँ पर डिस्प्ले प्रोटेक्शन की बात किया जाए तो यहाँ पर आपको Realme 2 Pro में Gorilla Glass 3 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा, वायरस बाकी दो डिवाइस में क्या प्रोटेक्शन मिलेगा वो ब्रांड ने अभी तक मेंशन नहीं किया है। सो यहाँ पर डिजाइन एंड लुक्स के मामले में अगर किसी एक डिवाइस को पिक करना है तो मैं बैक साइड के डिजाइन के अनुसार Mi 8 Lite को चूज करूंगा क्योंकि यहाँ पर आपको ग्रेडेड कलर डिजाइन देखने को मिलता है, मतलब दो कलर का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। एंड फ्रंट साइड के डिजाइन के अनुसार मैं Realme 2 Pro को चूज करूंगा क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही छोटा नॉच देखने को मिलता है, एक वाटर ड्रॉप जैसा नॉच देखने को मिलता है। सो यहाँ पर जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो भी बहुत ज्यादा है, मतलब आपको बहुत ही लेस बेजल, बहुत ही छोटा नॉच एंड ज्यादा डिस्प्ले देखने को मिलता है। एंड इवन यहाँ पर आपको Gorilla Glass 3 का भी प्रोटेक्शन मिल जाता है। सो एक बहुत ही स्टर्डी डिवाइस है, इवन थोड़ा सा हार्ड है बाकी दो डिवाइस से क्योंकि बैक साइड पे भी आपको प्लास्टिक मिलता है, सो हाथ से गिरने पर भी ये डिवाइस का बैक साइड नहीं टूटेगा। एंड यहाँ पर Honor 8X का डिजाइन भी बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पर आपको ग्लास फिनिश मिलता है, सो यहाँ पर आपको एक प्रीमियम लुक्स भी मिलता है। इवन इस डिवाइस का जो डिस्प्ले है वो बाकी दो डिवाइस से बड़ा है, मतलब डिजाइन के मामले में चूज करना यहाँ पर थोड़ा सा हार्ड है, बट नंबर वन पे रखना है तो मैं Mi 8 Lite को रखना पसंद करूंगा, देन सेकंड पोजीशन पे मैं यहाँ पर Realme 2 Pro एंड थर्ड पोजीशन पे Honor 8X को रखना पसंद करूंगा। यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि डिजाइन एंड लुक्स हर एक का पर्सनल चॉइस होता है, ये मेरा चॉइस था, आपका चॉइस अलग हो सकता है। अब इन तीनों डिवाइस की प्रोसेसर एंड GPU की बात किया जाए तो Honor 8X में आपको Kirin 710 का प्रोसेसर मिलेगा एंड GPU मिलेगा Mali G51 MP4। बट यहाँ पर Mi 8 Lite एंड Realme 2 Pro में आपको सेम प्रोसेसर सेम GPU देखने को मिलेगा, यहाँ पर प्रोसेसर मिलेगा आपको Snapdragon 660 एंड GPU मिलेगा Adreno 512। अब RAM एंड स्टोरेज वेरिएंट्स की बात किया जाए तो Honor 8X आपको तीन वेरिएंट्स पे मिलेगा, एक है 4GB RAM 64GB इंटरनल स्टोरेज, सेकंड वन है 6GB RAM 64GB इंटरनल स्टोरेज एंड थर्ड वन है 6GB RAM 128GB इंटरनल स्टोरेज। Mi 8 Lite भी यहाँ पर आपको तीन वेरिएंट्स पे मिलेगा, एक है 4GB RAM 64GB इंटरनल स्टोरेज, 6GB RAM 64GB इंटरनल स्टोरेज एंड 6GB RAM 128GB इंटरनल स्टोरेज। इवन Realme 2 Pro भी आपको तीन वेरिएंट्स पे मिलेगा, एक है 4GB RAM 64GB इंटरनल स्टोरेज, 6GB RAM 64GB इंटरनल स्टोरेज एंड 8GB RAM एंड 128GB इंटरनल स्टोरेज। Honor 8X एंड Realme 2 Pro में आपको एक डेडिकेटेड माइक्रो एस डी कार्ड का स्लॉट मिल जाएगा एंड इस स्टोरेज को आप एक्सपेंड कर सकते हो वाया माइक्रो एस डी कार्ड अप टू 256GB इन Realme 2 Pro एंड इन Honor 8X आप इस स्टोरेज को 400GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। बट यहाँ पर Mi 8 Lite में आपको कोई भी माइक्रो एस डी कार्ड स्लॉट देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर इन तीनों डिवाइस की CPU एंड GPU परफॉर्मेंस की बात किया जाए तो प्रोसेसर के मामले में सबसे टॉप पे रहता है यहाँ पर Kirin 710, मतलब Honor 8X का Kirin 710। यहाँ पर आपको जो Antutu benchmark score देखने को मिलता है वो करीब 137,000 और 140,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा।
देन सेकंड पोजीशन है यहाँ पर मी 8 लाइट एंड रियल मी 2 प्रो। इन दोनों ही डिवाइस में आपको सेम प्रोसेसर देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 660। सो दोनों का जो एंटूटू बेंचमार्क स्कोर होगा वो भी ऑलमोस्ट सेम मिलेगा, मतलब यहाँ पर आपको एंटूटू बेंचमार्क स्कोर मिलेगा 130,000 और 132 और 35,000 के आसपास ही मिल जाएगा, एकदम सेम नहीं रहता है, मतलब 130,000 के आसपास ही आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर GPU एंड गेमिंग परफॉर्मेंस की बात किया जाए तो Honor 8X बेहतर परफॉर्म करेगा क्योंकि Honor 8X पे आपको GPU टर्बो टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है एंड GPU टर्बो टेक्नोलॉजी के कारण जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो भी बहुत स्मूथ होगा। इवन गेमिंग के टाइम जो पावर कंजम्पशन है, जो बैटरी कंजम्पशन है, वो बहुत ही कम होने वाला है। सो डेफिनेटली यहाँ पर CPU एंड GPU परफॉर्मेंस के मामले में Honor का Kirin 710 बेहतर परफॉर्म करने वाला है। अब यहाँ पर कैमरा की बात किया जाए तो तीनों डिवाइस की बैक साइड पे आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, वेयर एज फ्रंट साइड पे आपको एक सिंगल कैमरा मिलेगा। Honor 8X के कैमरा की बात किया जाए तो यहाँ पर आपको बैक साइड पे एक 20 मेगापिक्सल का मेन शूटर मिलेगा एंड यहाँ पर आपको 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर मिलेगा एंड 20 मेगापिक्सल सेंसर का अपर्चर है f1.8। Mi 8 Lite की बैक साइड पे आपको एक 12 मेगापिक्सल का एक मेन सेंसर एंड एक 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा एंड 12 मेगापिक्सल सेंसर का अपर्चर है f1.9 एंड 5 मेगापिक्सल कैमरा का अपर्चर है f2.0। Realme 2 Pro के बैक साइड पे आपको 16 मेगापिक्सल का एक मेन शूटर एंड यहाँ पर आपको 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर मिल जाएगा एंड 16 मेगापिक्सल कैमरा का अपर्चर है f1.7। अब इन तीनों डिवाइस की बैक साइड की कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी की बात किया जाए तो Honor 8X में आपको कोई भी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, यहाँ पर जो वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी है वो फुल HD 30fps तक ही लिमिटेड है। Mi 8 Lite पे आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगा, इवन यहाँ पर आपको फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग अप टू 120fps तक भी देखने को मिल जाएगा। इवन Realme 2 Pro में भी आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग अप टू 30fps तक मिल जाएगा। अब इन तीनों डिवाइस की फ्रंट कैमरा की बात किया जाए तो Honor 8X में आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर मिलेगा जिसका अपर्चर है f2.0। Mi 8 Lite में आपको एक 24 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलेगा, वायरस Realme 2 Pro में भी आपको एक 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलेगा जिसका अपर्चर है f2.0। अब यहाँ पर इन तीनों ही डिवाइस की फ्रंट कैमरा से आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो अप टू फुल HD 30fps तक। सो यहाँ पर इन तीनों डिवाइस में से अगर कैमरा के मामले में किसी एक को अगर पिक करना है तो मैं यहाँ पर Mi 8 Lite को चूज करूंगा क्योंकि यहाँ पर आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी देखने को मिलता है, इवन यहाँ पर आपको फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग अप टू 120fps तक देखने को मिलता है, इवन यहाँ पर आपको फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग 60fps पे भी मिल जाएगा। सो इस मोबाइल से आप बीडोल फुटेज इन स्लो मोशन अप टू 120fps इन फुल HD में रिकॉर्ड कर सकते हो। सो एक बहुत ही एडवांटेज है। यहाँ पर आपको जो फ्रंट कैमरा है सेल्फी शूटर है वो भी आपको 24 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। सो डेफिनेटली यहाँ पर आपको बैक कैमरा एंड फ्रंट कैमरा दोनों ही बेहतर मिलेगा। अब यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे किसी एक को चूज करना है तो मैं यहाँ पर Realme 2 Pro को चूज करूंगा क्योंकि यहाँ पर भी आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिलता है। इवन Mi 8 Lite एंड Realme 2 Pro दोनों ही डिवाइस में आपको वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड इमेज स्टेबिलाईजेशन मतलब EIS देखने को मिलता है, बट यहाँ पर Honor 8X पे आपको वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम ना EIS ना ऑप्टिकल बेस्ड इमेज स्टेबिलाईजेशन कोई भी स्टेबिलाईजेशन नहीं मिलेगा। बट Honor की इस डिवाइस पे एक एडवांटेज है, यहाँ पर आपको डेडिकेटेड नाइट मोड देखने को मिलता है जो बेसिकली Huawei की फ्लैगशिप डिवाइस Huawei P20 Pro में देखने को मिलता है एंड ये नाइट मोड ऑप्शन से आप लो लाइट पे बहुत ही अच्छा इमेज क्लिक कर सकते हो जो डेफिनेटली आप फ्लैगशिप डिवाइस के साथ भी कंपेयर कर सकते हो। अब यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात किया जाए तो तीनों ही डिवाइस में आपको Android 8.1 Oreo मिल जाएगा, वायरस Honor 8X में आपको EMUI 8.2 का स्किन मिलेगा, Mi 8 Lite में आपको MIUI 9 का स्किन मिलेगा एंड Realme 2 Pro में आपको ColorOS 5.2 का स्किन मिलेगा। अब यहाँ पर तीनों डिवाइस की बैटरी साइज एंड बैटरी बैकअप की बात किया जाए तो आपको Honor 8X में सबसे बड़ा बैटरी देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको 3750mAh का बैटरी मिलेगा, Mi 8 Lite में आपको 3350mAh का बैटरी मिलेगा एंड यहाँ पर आपको Realme 2 Pro में 3500mAh का बैटरी मिलेगा। अब यहाँ पर बैटरी बैकअप की बात किया जाए तो बैटरी बैकअप के मामले में Honor 8X सबसे बेहतर परफॉर्म करेगा क्योंकि यहाँ पर आपको जो प्रोसेसर देखने को मिलता है Kirin 710 ये बना है 12 नैनोमीटर आर्किटेक्चर के ऊपर, सो डेफिनेटली बहुत ही पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है। वायरस स्नैपड्रैगन 660 बना है 14 नैनोमीटर आर्किटेक्चर के ऊपर, सो डेफिनेटली ये प्रोसेसर 12 नैनोमीटर आर्किटेक्चर प्रोसेसर से थोड़ा सा कम पावर एफिशिएंट होगा। इवन यहाँ पर Mi 8 Lite एंड Realme 2 Pro में थोड़ा सा कम बैटरी साइज देखने को मिलता है, सो डेफिनेटली यहाँ पर जो बैटरी बैकअप एंड बैटरी साइज के मामले में Honor 8X आपको बेहतर बैटरी बैकअप देगा।
यहाँ पर इन तीनों ही फोन्स में आपको बहुत ही कम प्राइस पे आपको बहुत ही अच्छा स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल रहा है, एंड मार्केट पे कोई और ब्रांड आपको इतना अच्छा स्पेसिफिकेशन नहीं देगा। बट यहाँ पर इन तीनों ही ब्रांड्स ने प्राइस कटिंग के लिए कुछ फीचर्स में यहाँ पर कंप्रोमाइज किया है। तो यहाँ पर Honor 8 की प्राइस कटिंग की बात किया जाए तो Honor ने यहाँ पर USB टाइप सी पोर्ट यूज़ नहीं किया है। इवन यहाँ पर आपको कोई फास्ट चार्जिंग इवन फास्ट चार्जर भी नहीं मिलेगा। इवन इस डिवाइस में आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी देखने को नहीं मिलेगा। अब Realme 2 Pro की बात किया जाए तो यहाँ पर भी आपको USB टाइप सी पोर्ट देखने को नहीं मिलता है। इवन इस डिवाइस में भी आपको फास्ट चार्जर इवन फास्ट चार्जिंग देखने को नहीं मिलता है। अगर आप सोच रहे हो कि एक अलग से फास्ट चार्जर खरीद के इस डिवाइस को चार्ज करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि इस डिवाइस में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट ही नहीं है। दो स्नैपड्रैगन 660 फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इवन यहाँ पर Realme 2 Pro में आपको LTE कैटेगरी 6 देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 660 में LTE कैटेगरी 12 देखने को मिलता है। सो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 660 का जो फुल नेटवर्क स्पीड है आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। इवन स्नैपड्रैगन 660 का जो मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है वो है 2.2 GHz, whereas यहाँ पर Realme 2 Pro में थोड़ा सा अंडरक्लॉक्ड मिलता है। यहाँ पर आपको 4 मैक्सिमम कोर्स जो देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको 2.0 GHz मिलेगा, मतलब 200 MHz आपको कम मिलेगा। whereas Mi 8 Lite में आपको फुल 2.2 GHz देखने को मिलता है। बट यहाँ पर जो 4 लो पावर्ड कोर्स है यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जो क्लॉक स्पीड है वो ठीक ठाक ही है, मतलब यहाँ पर आपको 1.8 GHz मिलता है। सो यहाँ पर 200 MHz क्लॉक स्पीड कम होने के कारण आपको डे टू डे लाइफ यूसेज में कोई भी फर्क नज़र नहीं आएगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर आपको स्मूथ परफॉर्मेंस ही देखने को मिलेगा। इवन जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो बेसिकली GPU के ऊपर डिपेंड करता है। सो यहाँ पर आपको जो GPU है वो सेम ही मिलने वाला है। सो गेमिंग परफॉर्मेंस में आपको कोई भी मतलब लैग देखने को नहीं मिलेगा। Mi 8 Lite में मुझे उतना ज़्यादा कमियाँ देखने को नहीं मिला है, क्योंकि ब्रांड ने यहाँ पर उतना ज़्यादा कंप्रोमाइज नहीं किया है। बेसिकली यहाँ पर आपको डिवाइस में फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगा, बट बॉक्स के अंदर आपको कोई भी फास्ट चार्जर नहीं मिलेगा। इवन Xiaomi ने यहाँ पर हेडफोन जैक को भी रिमूव कर दिया है। इवन यहाँ पर आपको कोई भी माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट नहीं मिलेगा। सो एनीवे यहाँ पर तीनों ही डिवाइस बहुत ही अच्छा डिवाइस है, एंड इतना कम प्राइस पे भी आपको इन तीनों ही डिवाइस में आपको भरपूर स्पेसिफिकेशंस मिलता है। मतलब मार्केट पे कोई और ब्रांड इतना स्पेसिफिकेशंस आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। एंड इन तीनों डिवाइस में से अगर कोई एक परफेक्ट डिवाइस को चुनना है तो मैं पर्सनली यहाँ पर Mi 8 Lite को चूज़ करूँगा, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छा परफॉर्मेंस भी मिलता है, अच्छा डिज़ाइन भी मिलता है, अच्छा कैमरा भी मिलता है, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग, इवन यहाँ पर आपको USB टाइप सी पोर्ट भी मिलता है, इवन यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है। भले ही फास्ट चार्जिंग आपको बॉक्स पर नहीं मिलता है, बट एटलीस्ट यहाँ पर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। एंड ओवरऑल मुझे एक परफेक्ट डिवाइस लगा है। बट यहाँ पर आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक एंड यहाँ पर आपको डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट नहीं मिलेगा। सो एक छोटा सा प्रॉब्लम है, बट एनीवे एक बहुत ही अच्छा डिवाइस है। एंड सेकेंड पोजीशन पे किसी एक को रखना है तो मैं यहाँ पर Realme 2 Pro को चूज़ करूँगा, देन इन थर्ड पोजीशन Honor 8X को चूज़ करूँगा। बट एनीवे Honor 8X कोई ख़राब डिवाइस नहीं है, ये बहुत ही अच्छा डिवाइस है। बट ये जो कंपेरिजन था ओवरऑल एक छोटा मोटा मार्जिन से कोई आगे निकल जाता है कोई पीछे रह जाता है, बट ओवरऑल तीनों ही डिवाइस ऑलमोस्ट सेम परफॉर्म करता है। सो दोस्तों ये था एक शॉर्ट कंपैरिजन वीडियो इन तीनों डिवाइसेस का, बट एक शॉर्ट कंपैरिजन वीडियो नहीं था, बहुत ही लंबा था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पर एक लाइक ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी दबा दो, क्योंकि आपको मिलने वाला है मेरे चैनल से ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो दोस्तों आपसे मुलाकात होगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।